नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश डीएलएड 2018 में एडमिशन के लिए तीसरे चरण की समाप्ति हो गई है और तीसरे चरण के बाद भी यूपी डीएलएड 2018 में एडमिशन के लिए 70,000 सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि तीसरे चरण में कितने कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यूपी डीएलएड 2018 में एडमिशन लिया है और क्या इतनी भारी संख्या में सीटें रिक्त रह जाने के बाद क्या नए चरण फिर से स्टार्ट किए जाएंगे एडमिशन के लिए और क्या कारण हैं जिनके वजह से इतनी भारी संख्या में सीटें नहीं भर पाई हैं। दोस्तों, ऐसे ही मुद्दों पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, 13 अगस्त 2018 को यूपी डीएलएड 2018 में एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस समाप्त कर दिया गया है और तीसरे चरण में लगभग 39,910 कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है यूपी डीएलएड 2018 में। तीन चरणों के बाद लगभग 70,000 सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, आपके भी मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है कि क्या इतनी भारी संख्या में सीटें रिक्त रह जाने के कारण क्या एडमिशन के लिए नया प्रक्रिया फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव श्रीमती डॉक्टर सुत्ता सिंह जी का यह कहना है कि नई प्रक्रिया स्टार्ट होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चूंकि बहुत भारी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं तो इसके बारे में हो सकता है कि भविष्य में सोचा जाए। और वहीं मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजों की, तो उन्होंने भी एक बहुत दबाव बना रखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए समयावधि जो कि 13 अगस्त 2018 को समाप्त कर दी गई थी उसे और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके ताकि वह डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपने कॉलेज में कैंडिडेट्स को भर्ती कर सकें। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ, आगरा के कॉलेज सबसे ज़्यादा हैं प्राइवेट कॉलेजों की संख्या में, तो वहाँ के कॉलेजों की स्थिति बहुत ही बुरी है। वहाँ पे कैंडिडेट्स कई कॉलेज में तो आधे सीट भी नहीं भर पाई हैं, तो उन लोगों का बहुत ही दबाव है परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर कि एडमिशन के लिए फिर से नई प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। दोस्तों, ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या फिर से स्टार्ट हो पाएगा प्रक्रिया या नहीं, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब से नई प्रक्रिया स्टार्ट करना एडमिशन के लिए बहुत ही मुश्किल है। चलिए दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहे हैं जिनके वजह से इतनी भारी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण उभर के सामने आ रहा है वो मैं बताता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2018 में डीएलएड के लिए एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह मई में किया गया था और 31 मई 2018 इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई थी। पहले डेट 23 मई 2018 थी, लेकिन चूँकि साइट सही से वर्क नहीं कर रही थी इसके लिए फिर से डेट को बढ़ाते हुए 31 मई 2018 कर दिया गया था। दोस्तों, 31 मई 2018 तक कई यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट घोषित नहीं हुए थे ग्रेजुएशन के, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा खेमा जो कि इस एडमिशन में भाग ले सकता था वह एडमिशन में प्रोसेस में भाग नहीं ले पाया और वह वंचित रह गए इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पे कई यूनिवर्सिटीज़ द्वारा रिजल्ट का घोषणा ना किए जाने के कारण इतनी भारी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। अगर दूसरे कारण की मैं बात करूं तो चूंकि शासन द्वारा हर वर्ष बिना किसी वजह के सीटें बढ़ा देना भी निश्चित तौर पे इसमें पूरी सीटें नहीं भर पाने के लिए एक प्रमुख कारण है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं 2017 की बात करूँ तो 2017 में लगभग 11,000 सीटें बढ़ाई गई थी और अगर 2018 की मैं बात करूं तो लगभग 15,000 सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर इतनी भारी संख्या में सीटों के बढ़ाए जाने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि चूंकि 2016 की मैं बात करूं तो उसमें भी पूरी सीटें नहीं भर पाई थी और शासन बिना समीक्षा के इतनी भारी संख्या में सीटें हर साल बढ़ा देता है जबकि इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा सीटें हो जाना भी रिक्त सीटों का एक प्रमुख कारण है।
और यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि समय समय पर चयन प्रक्रिया को कठिन करते जाना, मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो आप लिखित परीक्षा देंगे या फिर टेट देंगे उनके प्रारूप में समय समय पर चेंज करना और गलत नीतियों की वजह से ही युवाओं का इन परीक्षाओं से मोह भंग होता जा रहा है और अब वह बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड जैसे कोर्स से दूर भाग रहे हैं। और अगर सबसे प्रमुख कारण की मैं बात करूं तो 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा एक गजट जारी किया गया जिसमें यह बोला गया कि अब से बीएड वाले कैंडिडेट्स भी प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं बशर्ते उनको चयन वर्ष के 2 वर्ष के भीतर ही एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे कैंडिडेट जो बीटीसी या फिर डीएलएड में एडमिशन के लिए इच्छुक थे इस गजट के बाद से उन्होंने इसे छोड़ करके बीएड में एडमिशन लेना समझदारी समझा, क्योंकि बीएड करने के बाद से वह अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राइमरी में भी एलिजिबल हो पा रहे थे, जबकि अगर बीटीसी में एडमिशन लेंगे वो तो सिर्फ वह प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो उनको अवसरों की संख्या बीएड में ज़्यादा दिखी बशर्त इन कंपेरिजन टू बीटीसी और डीएलएड। यही कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी जो 70,000 सीटों को रिक्त रहने के लिए प्रमुख नींव डाली। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पर। धन्यवाद।